हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? और वेलकम बैक टू माय चैनल विश्वा सिंह ब्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आप सोच रही कि यहाँ से इसके ब्लॉग क्यों शुरू किया है? तो व्यूअर्स, दाई मुझे कह रहा है तंग, दोपहर का टाइम है, दाई मुझे कह रहा है तंग कि मुझे ना चीज़ लेनी है बाहर से ना। तो मैंने उसको कहा कि मैं तुझे घर में एक ऐसी चीज़ बना कर देती हूँ जो बहुत अच्छी होती है, तो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं भी बड़े शौक से खाती हूँ। तो मैं अभी बस बनाने लगी हूँ वो चीज़, तो वो आप लोगों से शेयर करती हूँ कि वो क्या चीज़ है। तो ये देखिए व्यूअर्स, वो क्या चीज़ थी? तो ये देखिए व्यूअर्स, वो क्या चीज़ थी? ये है गुड़ व्यूअर्स, ये देखिए। इसको मैंने ना रुमाल में ना वो कर दिया है, पीस लिए डंडे के साथ, और अब मैं इसको रखने लगी ऊपर पानी जो मैंने ऊपर रखा हुआ उसके ऊपर। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पानी के अंदर जो गुड़ है वो डाल दिया है। तो अब इसकी मैं बनाती हूँ एक मज़ेदार सी दम का बना के देती हूँ टॉफ़ी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये जो है अब होने लग गया गरम, हल्का से मैंने पानी डाल दिया था इसके अंदर, वही जो मैंने पहले डाला था। तो ये देखिए अभी हो रही है, तो ये देखिए व्यूअर्स आहिस्ता आहिस्ते रेडी हो रही है। इस जो छोटी सी वो ढेली सी बनी हुई थी, मैंने इसको कोशिश करती हूँ तोड़ने की, और ये आसानी से टूट रही है। ये देखिए, आँच आपने बिल्कुल कम रखनी है, अगर आप तेज़ आँच पे बनाएंगे तो बिल्कुल टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा। बन तो जाएगी लेकिन इसका वो टेस्ट जो है वो नहीं इसमें आएगा। तो फिर इसमें तिल डाल सकते हैं, तिल के लड्डू बना सकते हैं आप, मूँगफली डाल सकते हैं, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप डाल सकते हैं। तो ये बड़े मज़े का उसका अंदरूंडा सा भी तैयार हो जाता है, और खाली भी चाहें तो आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो ये गन्ने पे लगा के बाज़ लोग खाते हैं, तो अब गन्ने तो नहीं है इधर जिस पर हम लगा के खाएं, तो हम तो चम्मच के साथ ही लगा के खाएंगे। ये देखिए देखिए, तो ये देखिए बस जो उसके अंदर गुड़ था वो भी मैंने इसको ना पीस लिया अच्छे तरीके से। तो ये देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है, मैं इसको हिलाती रहूँगी, छोड़ना नहीं है। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ घी, तो इसकी शाइनिंग बहुत ज़बरदस्त इसके साथ हो जाएगी, और ये ना उत्तर जल्दी जाएगी, और जिस बर्तन में मैंने जमानी है उस पर भी थोड़ा सा मैं घी लगा लूँगी। ये देखिए, ये मैंने बनाए थे वो चनों के अंदर ना भुने हुए चने होते हैं, उसको साफ़ करके ना मैंने उसमें गचक बनाई थी इसकी, जो बड़े मज़े की व्यूअर्स बनी थी। तो किसी दिन मैं आपको वो भी बना के दिखाऊंगी कि वो कैसे बनाती हूँ मैं अपने स्टाइल से, कि मैं अपने घर में कैसे वो बनाती हूँ। तो अब तो खैर खाली गुड़ है, टाइम ज़िद कर रहा था, तो मैंने फिर इसलिए सोचा कि चलो आज ये बना के देती हूँ टाइम। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसकी तार सी बन रही है ना, ये देखिए ये देखिए, अब ये जमना शुरू हो गया। देखिए वो घी डालने से कितनी शाइनिंग आ गई है इसमें। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया, ये साइडों पे आप देख सकते हैं। ये देखिए इसका कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया, और खुशबू बहुत अच्छी आ गई है। ये देखिए, खुद ही बर्तन छोड़ रहा है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने एक प्लेट ले ली है, प्लेट के अंदर मैंने लगा लिया घी, और मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि वो ठंडा ना हो जाए, ठंडा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो अब मैं डालती हूँ इसको प्लेट के अंदर। ये देखिए व्यूअर्स, इसकी शक्ल थोड़ी सी ना देखिए कलर इसका चेंज हो गया, ये देखिए और ये गाढ़ा भी हो गया। तो अब मैं इसको डालती हूँ प्लेट के अंदर। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं डाल रही हूँ प्लेट के अंदर।
तो ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने, ये देखिए अभी से ना इसकी, वो देखिए चम्मच मैंने डाला था तो निकालने के लिए, लेकिन वो उतर ही नहीं रही है, देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, ये देखिए। तो मैं इसको तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे वो मिला रैपर सा, और दाइन को भी पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या है। इसको टॉफी की शेप दे दूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये टॉफ़ी बन गई है हमारी, ठीक है। तो अब ये रहा रैपर, इसमें हम करेंगे इसको पैक। तो दाइन को हम देंगे टॉफी, ये देखिए वो चीज़ मांग रहा था अब मैं इसको देती हूँ टॉफ़ी। ये देखिए व्यूअर्स, तो देखते हैं दाइन क्या कहता है। तो ओके व्यूवर्स, ये देखिए मैंने टॉफ़ी बना ली है दाइम के लिए, ठीक है। आप भी अपने बच्चों को ऐसी गुड़ की टॉफ़ी बना के दें, ये बड़ी मज़े की रेयर लगती है, यकीन करें आप। तो ओके व्यूवर्स, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना। तो ओके व्यूवर्स, खुदा हाफिज़।